नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित द्रोणाचार्य शास्त्री और आप देख रहे मेरा अपना YouTube चैनल धर्म संदेश। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि इंसान के शरीर में पथरी किस कारण से होता है, उसका लक्षण क्या है, एक रोगी को देख करके या उसके शारीरिक लक्षण को देख करके दूर से ही कैसे पता किया जाए कि इस व्यक्ति को किस तरह का पथरी है, वो कफ से है, पित्त से है, वात से है या किस वजह से उसको पथरी हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि भाई पित्त में स्थित जो स्टोन है उसको रिमूव नहीं किया जा सकता, उसको निकाला नहीं जा सकता, एक ही रास्ता है ऑपरेशन। तो क्या आयुर्वेद में ऐसा कोई दवाई है जिससे कि पित्त में स्थित जो स्टोन है उसको भी रिमूव किया जा सकता होगा? तो दोस्तों आइए जरा विस्तार से इस विषय में हम चर्चा करेंगे। यदि आप मेरे इस चैनल में न्यू व्यूअर्स हो तो जरूर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे यहाँ पर वीडियो में मैं वही चीजें बताऊंगा जो प्रामाणिक होगा, अप्रामाणिक बात मैं कभी भी नहीं करता। इसलिए आपको आयुर्वेद या एस्ट्रोलॉजी या धर्मशास्त्र से संबंधित जो चर्चाएं जब भी मैं कभी करूंगा तो वो आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं स्टोन क्यों होता है और इसको रिमूव कैसे किया जाए। दोस्तों हमारे शरीर में वायु कफ और पित्त से बहुत अधिक होता है। पैर के नाखून से लेकर के सिर के शिखा तक वायु का विशिष्ट आधिपत्य रहता है। इसी प्रबल वायु के वजह से हमारे शरीर के संपूर्ण अवयव सही ढंग से सही तरीका से संचालित होता है। लेकिन जब कभी प्रकुपित हो जाए यह वायु या रोग ग्रस्त होता है, आयुर्वेदिक धर्मशास्त्रों के मुताबिक इंसान के शरीर में जो पथरी है वो वायु पित्त कफ या शुक्र यानी हमारी जो धातु है, ये चार पांच चीजें इसे पथरी होने में सहयोग होते हैं। वायु और कफ, विशेष करके दोस्तों शुक्र यानी वीर्य और कफ पथरी होने में बड़ा जिम्मेदारी रहता है, इन्हीं के वजह से पथरी होते हैं। वायु जब मूत्राशय में आकर के वहां पर बैठा हुआ पिशाब और उसके साथ रला हुआ मिला हुआ जो वीर्य है उसको निरंतर फ्रेश करने से सुखाता है वायु, तो उसके वहां पर पथरी बनने का बड़ा संभावना रहता है। और दूसरा हमारे जो बस्ती स्थान है वहां पर वायु जब कफ और पित्त को या शुक्र को यानी कि वीर्य को जब सुखाता है अपने वेग से, तो सूखने के बाद वहां पर यह पथरी होता है। दोस्तों आपको पता है वायु बड़ा तेजस्वी होता है, वायु जो है हर चीजों को सुखाने में सक्षम रहता है, हर चीजों को हवा सुखा देती है। तो यही हवा जब तीव्र होकर के कफ में बार बार टच करता है तो वो सूख जाता है। सूखा हुआ जो कफ है निरंतर दूसरे कफ वहां पर आकर के चिपकते रहते हैं और वही वायु उसको सुखाता रहता है। तो निरंतर यही जो क्रिया बढ़ता रहता है तो उसका पथरी भी समय के साथ बढ़ता रहता है। तो आइए जरा जानते हैं कि बात यानी वायु से अगर आपके शरीर में पथरी हुआ है तो इसका क्या लक्षण होगा। जब किसी रोगी के शरीर में पथरी है और उसका वायु मुख्य कारण है तो उसके नाभि में दर्द होगा, अधिकतर नाभि में दर्द होगा और पेशाब के वक्त थोड़ा सा कंपन होगा उसका शरीर। ये अधिकतर वृद्ध यानी अधिक उम्र वाले जो लोग हैं उनको ज्यादातर वायु जनित स्टोन होता है। इसको बातास्मरी बोलते हैं, संस्कृत में पत्थर को पथरी को अस्मरी बोलते हैं। यदि पित्त के वजह से आपके शरीर में पथरी हुआ है तो आपके बस्ती या पेड़ पर भारी जलन सा होता है, जलन सी होती है। अगर ऐसा हो तो निश्चित है कि आपके शरीर में पित्त दोष के वजह से यानी वायु और पित्त के वजह से ये आपको पथरी होगा। और वहां पर जहां पथरी है वहां पर हाथ से स्पर्श करे महसूस थोड़ा सा गरम सा महसूस होगा, वो पत्थर यानी अंदर की जो पथरी है वो गरम सा महसूस होगा। यदि कफ इस पथरी का जिम्मेवारी है या जिम्मेवार है, कफ की वजह से अगर पथरी हुआ है तो उसके बस्ती में नोचने की सी
सुई जैसे चुभन से उसको महसूस होता है। ये जो पत्री है यहाँ पर उसको शीतल सा महसूस होता है। जितने भी छोटी उम्र के जो बच्चे हैं और उनको अगर पत्री होती है तो उसको ये कफ के ही वजह से पत्री माना जाता है छोटे बच्चों को। बड़ों को भी होता है कफ के वजह से, लेकिन बच्चों को अगर कफ हो या पत्री हो तो समझ लो कि वो कफ के ही वजह से पत्री होता है। एक चौथा है वीर्य। आपने देखे होंगे या आपने सुने होंगे अक्सर क्या होता है कि जब उम्र दराज होते हैं ना लड़के, तो उनके शरीर में काम वेग आता है। वैसे आजकल का हमारा खान पीन तामस है ही नहीं तो राजस है, सात्विक तो बहुत कम लोग अपने आहार को लेते हैं। तो तामस या भोजन के वजह से इन बच्चों में या जो तकरीबन भी 16-17 उम्र के साल की उम्र के जो लड़के हैं उनमें काम वासना, आजकल तो आपको पता ही है भौतिक चीजें कैसी है, ये गंदे पिक्चर गंदे चीजें देखना भी गंदा, हमारी जो इंद्रिया है ये आंखें भी गलत चीजों को देख रही है, खाने वाली चीजें भी मुंह भी सभी इंद्रिय हमारा तामस की ओर जा रहा है। तो उनमें इन व्यवहारों से इन क्रियाओं से प्रकृति के इस क्षोभ से उसके शरीर में सेक्स करने की या हस्तमैथुन करने की आदत पड़ती है। हस्तमैथुन करते वक्त अधिक उमंग और आनंद के वजह से हस्तमैथुन करते हुए वीर्य को रोकने का वो प्रयत्न करता है ताकि अधिक समय तक शायद आनंद लिया जा सके, और वही जो रुका हुआ वीर्य उसके शिश्न के आसपास या कहीं उसी वीर्याशय में कहीं पर वो रह जाता है और प्रबल वायु के वेग से वो वीर्य सूख जाता है और यहीं से उस व्यक्ति को वीर्य जनित पथरी होने का संभावना होता है। अगर किसी व्यक्ति को वीर्य ही पथरी का दोषी है तो कैसे पता किया जा सके कि इस आदमी को कफ नहीं पित्त नहीं या वायु नहीं बल्कि वीर्य ही दोषी है पथरी होने में? तो उसका दोस्तों सिम्टोम है सुई चुभन सा दर्द होना, पेशाब करता है तो पेशाब दो धार से निकलना, ये दो सिम्टोम ऐसा है जिससे पता किया जा सकता है कि उसको वीर्य से ये पथरी हुआ है। तो डॉक्टर जो है इस विषय में जो कुछ भी बोले, लेकिन वैसे हमारा जो आयुर्वेद है, हाँ आयुर्वेद भी बोलता है कि अगर आपके पित्त में स्टोन है तकरीबन भी 10 mm से ऊपर तो ऑपरेशन ही पहला रास्ता है, क्योंकि कभी कभी पित्त के जो पथरी है प्रबल मेडिसिन भी काम नहीं करता। और यहाँ पर जो दवाई दो हम लोग जो देते हैं, किसी जिसका ब्लड प्रेशर लो है पहले से या कुछ ऐसे स्थिति जहां पर वो पथरी के दवाई जो हम लोगों को देते हैं, पित्त की पथरी का हमारे पास बहुत बढ़िया दवाई है, लेकिन किसी को क्यों अगर उसको ब्लड प्रेशर पहले से लो है और शरीर क्रिस है यानी बहुत ज्यादा कमजोर है, कमजोरी शरीर में है या उसके लिवर में कहीं प्रॉब्लम है, उसके किडनी में या डैमेज है या पहले से प्रॉब्लम है, तो उसको फिर ऑपरेशन करना ही, क्योंकि आयुर्वेदिक जो दवाई जो दी जाती है वो दवाई फिर उसको लेना अच्छा नहीं है। वैसे आयुर्वेद में बताया गया है कि भाई पित्त की अगर आपको पथरी हो तो जरूर आपको ऑपरेशन करके ही इसको निकाल देनी चाहिए, लेकिन आयुर्वेद में ये लिखने के बाद भी 10-12 ऐसे फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर रोगी ऑपरेशन करने से डरता है या किसी कारणवश वो ऑपरेशन करना नहीं चाहता तो आयुर्वेद में कुछ ऐसे दवाई भी है जो अधिक मेहनत से अधिक प्रयत्न से लंबे समय तक दवाई तकरीबन भी 1.5 या 2 महीने तक अगर दवाई खाया जाए वो भी 10 mm से ऊपर, उससे नीचे तो हमारे पास ऐसा मेडिसिन है कि कुछ भी करो मत, लेकिन आपके लीवर सही होनी चाहिए। बस अगर लीवर खराब है तो फिर वो दवाई आपको सूट नहीं करेगा, अच्छा नहीं है। 10 mm तक पित्त की पथरी गुर्दे की दूसरी जगह तो छोड़ दो वो तो ठीक हो ही जाएगा, पित्त की पथरी भी निकल जाता है, लेकिन उससे अगर अधिक हो तो आयुर्वेद भी बोलता है कि ऑपरेशन ही अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रंथों में लिखा गया है 10-12 अलग अलग फॉर्मूला दिया है मेडिसिन का
कि ये इस तरह के दवाई चीजों को कलेक्शन करके रोगी को दे दो तो उसका पित्त की पथरी भी आसानी से निकल जाता है। इसका मतलब है पित्त की पथरी भी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो आयुर्वेदिक जो दवाई है उससे आसानी से निकल जाता है। ठीक है, इसीलिए अब देखो ऑपरेशन करने करके पित्त की थैली को निकालने से तो अच्छा है कि कम से कम एक बार ट्राई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जहां तक हम पैसे को देखते हैं तो ऑपरेशन में जितना खर्च लगता है उससे कई गुना कम खर्च में ये आपका दवाई ही आ जाता है। इसलिए ऑपरेशन करने से अच्छा दवाई खाया जाए। 10 mm से नीचे है तब तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, निकल जाएगा। उससे ऊपर है तो एक बार दवाई खाने में हर्ज नहीं है। अब मैं तो कहता हूं हमारे एक दो ऐसे मित्र है जो कि हम भी देते हैं दवाई, हम कहते हैं कि भाई 1 महीने तक आप या 1.5-2 महीने तक दवाई खा लो, उसके बाद आप डायग्नोस कर लो, आप देख लो आपके हाथ में उसकी जो डायग्नोस की रिपोर्ट है। अब मैं कहूंगा डेफिनेटली है कि पित्त की पथरी भी निकल जाता है। तो डॉक्टरों की ठीक है वो अपने स्तर से, क्योंकि एलोपैथिक में स्टोन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सब कोई जानते हैं, इसीलिए मजबूरन उनको ऑपरेशन बोलना पड़ता है। बेशक वो डॉक्टर में कोई लालच नहीं है, लेकिन फिर भी उनको पता है कि हमारे यहाँ पर इसका कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, तो बेचारे क्या बोलेंगे, वो आयुर्वेद का प्रशंसक नहीं होते कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर, कहीं एक दो हो जाए अदरवाइज आयुर्वेदिक चाहे कितना ही अच्छा ये ट्रीटमेंट का ये रास्ता क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कोई भी एलोपैथिक जो डॉक्टर है इसके खिलाफ ही रहते हैं। तो हमने तो हमारा शरीर अपने हिसाब से देखना है, और पित्त को ही निकाल के फेंक दिया तो आने वाले समय हमारा जो शरीर है रोग से ग्रसित होने का संभावना रहता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। पित्त की पथरी में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जिसे हम रोगी को प्रदान करते हैं तो वो जो रोगी है वो ठीक हो जाता है। जैसे एक दवाई है जिसका नाम है हजरल यहूद यवक्षार मूलिक्षार कामदुदा रस सुत शेखर रस, ऐसे करके 15-20 जो दवाई है उसके संरक्षण से हम रोगी को ये दवाई बना करके देते हैं। और साथ में हम उनको कहते हैं जैसे अगर सर्दी के मौसम है, क्योंकि अब ये दवाई के साथ साथ हम बोलते हैं कि भाई पानी या सोडा वाला पानी को पेप्सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज्यादा पियो, लेकिन सर्दी में पानी अधिक पिया नहीं जा सकता, तो हम कहते हैं भाई बालम खीरा का अर्क और वरुण क्वाथ और अस्मरी क्वाथ, ये जो 3 चीजें हैं आपके शरीर से खूब पेशाब को निकाल देता है, विशेष करके जो वरुण क्वाथ है वो बहुत अच्छा है इस दिशा में, यानी कि अगर पेशाब आपका खुल के नहीं आता जलन होता है तो अकेला वरुण क्वाथ इसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो इन अर्क और क्वाथ के साथ हम जो दवाई देते हैं वो आसानी से आपके पित्त के थैली में स्थित जो स्टोन है उसे भी रिमूव कर देता है इसमें कोई। लेकिन आयुर्वेद में जो प्रथम दृष्टया जो सूत्र है वो लिखा गया है कि ऑपरेशन किया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ऑपरेशन से भय है, डर लगता है, आपको लगता है कि यार पित्त की जो थैली उसी को निकाल के फेंक दिया तो आगे क्या बचेगा, तो इन दवाई की सहायता से भी आप आसानी से पित्त की थैली में स्थित जो स्टोन है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आयुर्वेदिक ये जो आयुर्वेद है इसकी उपचार की जो पद्धति है वो बहुत बड़ी है। एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो या कोई भी जो पैथिक है, इसके सामने बोना है आवश्यकता है एक सही तरीका से इलाज दिया जाए और उस रोगी में कफ पित्त वात और शुक्र यानी धातु इसमें से कौन सा उसमें लक्षण नजर आ रहा है और उसके भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होनी चाहिए। मान लो कि अगर वात और कफ, वायु हर जगह जुड़ेगा, वायु और कफ, वायु और शुक्र, अब वायु और पित्त नहीं होगा, अकेला पित्त स्टोन देने में सामर्थ्यवान नहीं है, क्योंकि पित्त जो है थोड़ा गर्म प्रकृति का होता है, तो अगर गर्म होगा तो एक जगह वो सूखेगा नहीं, सूखने के लिए ठंडा होना चाहिए, तो शुक्र भी ठंडा है, अंतत्वगत्व ठंडा होगा और कफ तो ठंडा है ही, इसीलिए अकेला पित्त इसमें जिम्मेवार नहीं है, कफ और वायु और कफ और शुक्र अक्सर यही इसी के वजह से लोगों को
पित्त होता है। कभी कभी वायु ठीक है लेकिन फिर भी अकेला शुक्र भी स्टोन देता है, और कभी कभी वायु तो बिल्कुल साम्य है लेकिन अकेला कफ भी आपको स्टोन दे सकता है। तो हमारे इस दवाई के साथ साथ आपके शरीर में स्थित बिगड़ा हुआ वो वायु, कफ, पित्त या शुक्र यानी धातु। स्त्रियों में रज का प्रॉब्लम भी होता है, रज स्त्रियों के लिए और पुरुष के लिए वीर्य, तो इसकी विषमता को पहले नष्ट करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया जाए, उसके बाद फिर अस्मरी यानी उस पथरी निवारण के लिए वहां से शरीर से निकालने के लिए जो हमारे यहाँ पर जो दवाई अलग अलग जगह में हिंदुस्तान है, एक से एक महापुरुष है यहाँ पे, हर रोगों की कैंसर की दवाई राजस्थान के साइड में कुछ एक ऐसे वैद्य है, क्या कहना, बहुत अच्छा उनका पकड़ है। तो ये तो वैद्यों की अपनी ज्ञान है, उनकी पकड़ है किसी रोग के प्रति, ठीक है दोस्तों। तो ये कहना कि आयुर्वेदिक दवाई बिल्कुल निकम्मा है, काम नहीं करता, इसके ये कहने से अच्छा है कि हम जरा आयुर्वेद के इन चीजों को समझें और जो कोई कारगर चीजों को देने वाला वैद्यों को पकड़े या उनको पहचाने। तो दोस्तों आज का मेरा इस वीडियो का यही लक्ष्य है कि इंसान के शरीर में स्टोन क्यों होता है, उसका लक्षण क्या है और उसको निवारण कैसे किया जाए। शॉर्टकट में तो क्या लंबा ही समय हो गया, लेकिन फिर भी मैंने अपने स्तर से बताने का प्रयत्न किया। यदि आप मेरे से इसका स्टोन के मेडिसिन चाहते हैं तो आप 8699175212 इस नंबर में आप संपर्क कर सकते हैं। एक चीज और, मेरे पास बहुत सारे लोगों का अलग अलग रोगों के लिए फोन आता है, इसीलिए मैं बिजी रहता हूँ थोड़ा सा, है ना, क्योंकि फोन भी आ रहा है, लोग भी आ रहे, तो इसीलिए अगर मैंने एक बार फोन नहीं उठाया तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, तो आप व्हाट्सअप करके आप अपनी स्थिति को बता सकते, लिख सकते। तो दोस्तों मुझे दे दीजिएगा विदा, जय श्री राम।